छत्तीसगढ़ राज्योत्सव एवं राज्य अलंकरण समारोह के अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित राज्यपाल श्री बलराम जी दास टंडन, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष श्री विवेक देव राय जी, गृह मंत्री श्री राम सेवक पैकरा जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और सज्जनों, छत्तीसगढ़ के भाई बहनी मनला जय जोहार। छत्तीसगढ़ के 17वां जन्मदिन के गाढ़ा गाढ़ा बधाई। यह राज्योत्सव छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जितना महत्वपूर्ण है उससे अधिक आज का दिन मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति बनने के पश्चात छत्तीसगढ़ की मेरी पहली यात्रा और इस यात्रा के साथ आप सबका जो इस राज्य का जन्मोत्सव है सही मायने में पहली नवंबर से प्रारंभ होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बताया हम पूरे प्रदेश में इस उत्सव को मनाते हैं, इसको इसलिए 5 दिनों तक चलता है। और ये जन्मोत्सव मुझे कुछ यादें अभी भी ताजी आ गई, जब ये राज्य के निर्माण के गठन की बात हो रही थी उस समय मैं संसद में राज्यसभा का सदस्य था। मध्य प्रदेश से आपका हिस्सा अलग हुआ, उस समय इस क्षेत्र के सांसद चाहे वो राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो अपनी मांगों को लेकर के संसद में ये मामला उठाया करते थे। और जब इसलिए मुझे याद है कि इनकी जो आप सबकी कठिनाई, आप सबको लगता था कि छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है कौशल क्षेत्र है उसके साथ जो आपको न्याय मिलना चाहिए था वो मध्य प्रदेश के साथ रह कर के न्याय नहीं मिल पाता, और शायद ये जो संघर्ष की लड़ाई थी बड़े संघर्ष के बाद आपके राज्य का गठन हुआ, आपने आपका खून पसीना संघर्ष धरना प्रदर्शन बड़ी कठिनाई के साथ में आपका राज्य मिला। इसलिए जब मुझे मुख्यमंत्री जी ने आमंत्रित किया तो मुझे लगा शायद वो मेरे दिन याद आ गए कि जब आपके क्षेत्र के सांसदों की हाँ में हाँ मिलाने के लिए मैं भी राज्यसभा में इस मुद्दे के साथ खड़ा होता था। तब मुझे लगा कि मुझे इस कार्यक्रम में जाना चाहिए और मैं आया हूँ। सचमुच में आपका जो राज्य का जन्मोत्सव है उत्सव है खुशी का मौका है, इस खुशी में मैं भी सम्मिलित होने आया। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में दक्षिण कौशल का ये क्षेत्र प्रभु राम की माता कौशल्या का मायका रहा है। आदि कवि वाल्मीकि ने इसी धरती पर रामायण की रचना की थी। ऐसी पवित्र भूमि में आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लेने पर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। आज यहाँ की आप सबके सामने आने से पूर्व जो राज्य सरकार द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है विभिन्न विभागों और निजी क्षेत्र के उद्यमों की कामयाबी की झलक, उसको भी देखने का मुझे मौका मिला। अब मेरा वो देखने के पश्चात एक ऐसा विश्वास और मजबूत हुआ है
कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना हुई थी, आदर्श आधुनिक राज्य की स्थापना करके छत्तीसगढ़ का एक विकसित राज्य अपनी ऊंचाई पर पहुंचेगा। और मुझे लगता है कि उसका जो धीरे धीरे जो 17 साल पूरे होने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि 17 साल राज्य के विकास के लिए बहुत कम समय होता है। लेकिन मैंने आपकी राजधानी को देखा, पिछली बार भी देखा था, आज थोड़ा बहुत भी मुझे देखने का अवसर मिला। भाइयों और बहनों, आज जब मैं यहाँ स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा तो स्वामी जी के जीवन की कुछ झलकियाँ याद आईं। स्वामी जी ने अपनी किशोर अवस्था के 2 साल इसी क्षेत्र में बिताए थे। कहा जाता है कि कोलकाता के बाहर ये उनका सबसे लंबा प्रयास था। स्वामी जी द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन आदिवासियों के विकास के लिए नारायणपुर में 1980 के दशक से निरंतर योगदान दे रहा है। नारायणपुर तथा अबूझमाड़ के पिछड़े और दुर्गम आदिवासी क्षेत्र में मिशन का काम करने का जज्बा मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। वहां के घने जंगलों में आश्रम द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय और अस्पताल सेवा भावना की मिसाल है। आदिम जनजातियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। ऐसा लगता है कि मानो छत्तीसगढ़ के विकास को स्वामी विवेकानंद जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ में विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ के हरे भरे जंगल, सुजल नदियां और खनिज संपदाएं विकास के अमूल्य स्रोत हैं। लेकिन इन सबसे बढ़कर है छत्तीसगढ़ के सरल और स्नेही लोग। यहाँ के लोगों में अपनी पहचान को लेकर एक मधुर सा गर्व का भाव रहता है, जिसे यहाँ की बोली में कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ की जनता के दिलों में बसने वाली विभूतियों के नाम पर अलंकरण प्रदान करने की परंपरा से मैं प्रभावित हुआ हूँ। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, मुख्यमंत्री जी, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिए जिन लोगों ने अपनी जान कुर्बान दी, जिन लोगों ने अपना तन मन धन सब कुछ न्योछावर किया, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ मापदंड स्थापित किए और मापदंडों पर जो व्यक्ति खरा उतरे उसको इस प्रकार का अलंकरण से सुशोभित करना चाहिए। ये बहुत अच्छी परंपरा है और ऐसा किया भी जा रहा है। आज मुझे खुशी हुई कि इन सबको जो अलंकरण प्रदान किए गए उसमें मेरी भी सहभागिता। छत्तीसगढ़ की व्यक्तियों और संस्थाओं को जिनको अभी अलंकरण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं। साथ ही कल्याण और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान की सराहना करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि जिस क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट उन्होंने जो कार्य किया है, उसके जिसके लिए अलंकरण पुरस्कार मिला है, उस क्षेत्र में और उत्कृष्टता प्रदान करते रहें। यही मेरी आकांक्षा है और अभिलाषा है। 18वीं सदी में इसी क्षेत्र में जन्मे बाबा गुरु घासीदास जी छत्तीसगढ़ की संत परंपरा में सबसे ऊपर कहे जाते हैं। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को समानता के अधिकार दिलाने के लिए बहुत काम किए। मुझे कल गुरु घासीदास की स्मृति में गिरोदपुरी में आयोजित किए जा रहे एक विशेष समारोह में जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। यद्यपि मैं उस क्षेत्र में पहले भी गया था और मेरे लिए यही आकर्षण था कि मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि मैं रायपुर तो आ रहा हूँ, लेकिन यदि गिरोदपुरी चल सकूँ तो कुछ व्यवस्था करिए। उनको भी बहुत प्रसन्नता हुई
उन्होंने कहा कि शायद जो मेरे मन की बात थी वो आपने छीन ली, और इसलिए मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गौरवान्वित होकर के मैं इस बात को कह रहा हूँ कि उस संत परंपरा की धरती पर मुझे जाने का कल सौभाग्य मिलेगा। 1857 की आज़ादी की लड़ाई में मर मिटने वाले छत्तीसगढ़ के आदिवासी जननायक शहीद वीर नारायण सिंह गरीबों और आदिवासियों के हितों के रक्षक थे। उनकी कहानी छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। इसी तरह अंग्रेज के शोषण के खिलाफ जनजातीय क्षेत्र में अपने संघर्ष के कारण लोकगीतों में अमर हो चुके गुंडाधूर की जीवनी भी सबको प्रेरणा देती है। 20वीं सदी के आरंभ में जन्मी मिनी माता ने गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ापन दूर करने के प्रयास में अपना जीवन समर्पित कर दिया। आप सब जिस धरती की संतान हैं उसका इतिहास अनेकों महान विभूतियों से भरा हुआ है, लेकिन मैंने कुछ ही विभूतियों के नामों का उल्लेख किया है। तीजन बाई के पांडवानी कार्यक्रमों की लोकप्रियता यहाँ की लोक संस्कृति के व्यापक प्रभाव का उदाहरण है, और जब वो विदेशों में जाती रही उनके कार्यक्रमों को देखा, जीता जागता एक कलाकार वो तीजन बाई में देखने को मिलता। यहाँ के लोगों के हुनर का जादू उनके प्राचीन लोक शिल्प में देखने को मिलता है। देश विदेश में छत्तीसगढ़ में बनी कलात्मक चीज़ें सजावट के लिए रखी जाती तथा उपहार के तौर पर दी जाती। बस्तर के शिल्पी घड़वा कला और कास्ट कला के शानदार नमूने पेश करते हैं। मुझे यह जानकारी साझा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जब मैं पिछली बार रायपुर आया था तो मुख्यमंत्री जी ने एक मुझे कलाकृति भेंट की थी, और वो कलाकृति बस्तर जिले के आदिवासी भाई बहनों द्वारा निर्मित की गई कलाकृति थी। और जब मैं राष्ट्रपति भवन में पहुंचा तो मैंने निर्णय लिया कि ये बस्तर के आदिवासी भाइयों और बहनों द्वारा निर्मित इस कलाकृति को हम राष्ट्रपति भवन में इसको उचित स्थान देने का हमने निर्णय लिया। एक तरफ सदियों पुरानी परंपराएं यहाँ के जीवन को आधार देती हैं, तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। नया रायपुर को वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्मार्ट इको फ्रेंडली सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। मैंने चंडीगढ़, गांधीनगर और भुवनेश्वर की प्लैंड सिटीज भी देखी हैं। नया रायपुर को 21वीं सदी की आधुनिकता के साथ विकसित किया जा रहा है। यहाँ की चौड़ी चौड़ी सड़कें, वास्तुकला, भवन और हरियाली मिलकर टाउन प्लानिंग का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। नया रायपुर छत्तीसगढ़ के विकास का एक मापदंड बन गया है। नया राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ ने जन कल्याण और विकास के क्षेत्र में कई ऐसे काम किए हैं जिन्हें पूरे देश में सराहा गया है और जिनसे अन्य राज्यों ने बहुत कुछ सीखा है। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। लगभग 60 लाख परिवारों के लिए सस्ता राशन और पोषक आहार सुलभ कराया जाता है। पहले वनवासी भाइयों और बहनों की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा नमक पर ही खर्च हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। राशन व्यवस्था के तहत सभी को मुफ्त नमक देने का काम सही मायने में अंत्योदय का काम है। 56 लाख परिवारों को स्मार्ट कार्ड के जरिए निःशुल्क उपचार की सुविधा दी जा रही है। किसानों को 0% ब्याज की दर पर कृषि ऋण देने की व्यवस्था के कारण ऋण वितरण की राशि में 50 गुना बढ़ोतरी की गई है। बालिकाओं के लिए स्कूल से लेकर कॉलेज तक निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों के स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में 2 लाख से कम आबादी वाले शहरों में अंबिकापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस सफलता में महिलाओं की भूमिका प्रमुख रही है। मैं अंबिकापुर और छत्तीसगढ़ के सभी भाई बहनों को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ।
आज यहाँ आने से पहले मैंने शहीद स्मारक जाकर वीर जवानों के सम्मान में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हम सब लोग जानते हैं कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में राज्य के लोगों की सुरक्षा और राज्य की अस्मिता को बनाए रखने के पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान शहीद हुए। मुझे बताया गया कि जिन अर्धसैनिक और पुलिस बल के जवानों ने अपना जीवन न्यौछावर किया है उनकी संख्या लगभग 1100 से अधिक है। ये बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन मैं उन सभी वीर सपूतों को मैं आज उनकी स्मृति को नमन करता हूँ जिन्होंने इस राज्य के अस्मिता को बनाए रखने के लिए, इस देश में अमन चैन को बनाए रखने के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी। और मैं समझता हूँ कि आज उन अर्धसैनिक और पुलिस बल के जवानों ने कुर्बानी ना दी होती तो संभवतः आज हम ये उत्सव भी नहीं मना रहे होते। पिछले महीने राष्ट्रपति भवन में राज्यपाल सम्मेलन में आपके राज्यपाल महोदय बहुत श्रेष्ठ और विद्वान राज्यपाल जिनको मैं कहता हूँ, उन्होंने छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों और चुनौतियों पर बहुत उपयोगी चर्चा की थी, बहुत सार्थक बातें बताई थी। और जो यहाँ के राजभवन में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो फॉलो की जा रही हैं उनका भी उल्लेख किया था। भाइयों और बहनों, आदिवासियों, दलितों, गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं तथा समाज के अन्य वर्गों और हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सराहनीय काम हुआ है, इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ प्रशासन और जनता को बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ का विकास पूरे देश के विकास का उदाहरण बन सकता है। छत्तीसगढ़ महातारी महिमा नाम की बहुत सुंदर कविता में भी यही भाव मुझे देखने को मिला, जिसमें कहा गया है कि जय जय छत्तीसगढ़ महातारी, भारत के साक्षात चिन्हारी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको आज के इस कार्यक्रम की राज्योत्सव अलंकरण समारोह के प्रति लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।